है, ब्राशो का है, और इसका प्राइस मनी है 4,500 रुपये। वेलकम टू माई चैनल पॉलिश क्रिएशंस। कैसे हो आप सब? मैं तो ठीक ठाक हूँ, बहुत ही अच्छी हूँ। और आज मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ वो है मेरा जो अंडर गारमेंट्स है बिकिनी कलेक्शन, वही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि और मैं लाइफ में कौन सी ड्रेस कब पहनती हूँ वो भी मैं शेयर करूँगी। तो फिर चलो, मेरा ये जो है ना बहुत ही अनऑर्गेनाइज हो गया, तो उसको मैं ऑर्गेनाइज करूँगी अभी आप लोगों के सामने। तो मेरे साथ बने रहो और देखते रहो क्या क्या कलेक्शन है। यहाँ पर बहुत ही कम है, अलमारी में है, मगर वो वाला मैं नहीं लेके आई, इधर ही जो है वही ऑर्गेनाइज करूँगी। तो फिर फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। ये मैं अभी सारे कुछ निकाल बाहर करूंगी और आप लोगों के सामने मैं इसको फिर से ऑर्गेनाइज करूंगी। ओके, बिल्कुल कचरा हो गया मेरा ये। ये मेरा स्टूडियो रूम में रहता है ये वाला जो बाकेट है, इसमें मैं ये सब रखती हूँ। ये पहले इधर पड़ा हुआ है, मैंने ये कभी यूज नहीं किया, एक यूज किया ब्लैक कलर का, मगर स्किन टाइप का जो है इसको मैंने यूज नहीं किया। ये है इतना जो सॉक्स होता है ना वही, ठीक है, ये वाला यूज नहीं किया अभी तक, मगर ब्लैक है, इसको टू पेयर था, एक ब्लैक और एक स्किन टाइप। ब्लैक मैंने यूज कर लिया, मगर ये वाला इसको यूज नहीं किया अभी तक। तो ये तो एक ऐसे सीधा साधा एक टॉप है, और ये भी देखो बिल्कुल अनऑर्गेनाइज हो गया, क्योंकि पहनती हूँ और रखती हूँ, इसको मैं ठीक ठाक करके नहीं रखती। ये भी एक वेस्टर्न ड्रेस है, छोटा सा वेस्टर्न ड्रेस, इसे मैं रील शूट किया ये पहन के, बहुत सारा रील्स है मेरा इंस्टा में, ठीक है। पहले ड्रेस को मैं ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। ये है मिनी स्कर्ट, छोटा सा स्कर्ट है एकदम, और ये है एक ट्रांसपेरेंट ड्रेस, जो लिंगेरी के साथ पहना जाता है, इसके साथ ये वाला सेट है, ठीक है, ये और ये सेट है। और ये मेरा रेड कलर का बहुत ही फेवरेट एक टॉप है, मैं इसको जीन्स के ऊपर पहनती हूँ। छोटा सा टॉप है, ये इधर से बांधा जाता है सामने, और ये बिल्कुल बेली के ऊपर है, इधर बांधा जाता है। ये मैंने बहुत बार पहनी है, आप लोग शायद देखे होंगे। ये इसका जो फैब्रिक है मुझे बहुत पसंद है, मैंने ये सभी ऑनलाइन से परचेस किया, मार्केट से मैं कुछ भी नहीं परचेस करती हूँ। तो अभी आती हूँ मैं अपना बिकिनी कलेक्शन में। ये तो एक रेड कलर का अंडरगारमेंट्स है, ठीक है, और ये वाइट कलर का है ये भी पिंक कलर, पिंक वाइट है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। और ये है मेरून कलर का,
ये बहुत अच्छा है, ब्राशो का है। इसके साथ सेट है ये, ये वाला सेट है। और ये तो एक लिंगेरी है, इसको पीच से बांधा जाता है। इसको फोल्ड करना बहुत ही, क्योंकि बिल्कुल रस्सी से बना हुआ है, इसको फोल्डिंग करना बहुत ही। और इसके साथ जो सेट है ये है, इसके साथ का जो सेट वो ऊपर का है, ये नीचे का। और ये एक क्रीम कलर का ब्रा है, इधर एक सिस्टम है देखो ये वाला, ऐसे कोई चाहे तो इसको यहाँ पर ना एक बहुत ही हार्ड जैसा कुछ है, इसको हम लोग चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं ऐसे। ये देखो निकल के बाहर आ गया, ठीक है, मगर निकलने की ज़रूरत है नहीं, अंदर करके ही रखती हूँ मैं। ब्रा है ब्लैक कलर का, ये है मेरा ब्रा कलेक्शन। और ये वाला ब्रा कुछ स्पेशल है, कुछ खास है, ये इसका जो प्राइस मनी है, इसका प्राइस मनी है 4,500 रुपये, ठीक है, इसका प्राइस मनी 4,500 रुपये का ये ब्रा है। बहुत ही कंफर्टेबल है, ब्रांडेड है, ब्रांडेड है। और इसका खासियत है कि ये जब गर्मी में पहना जाता है तो बहुत ही कूल सा एहसास होता है, कोई स्वेटिंग वगैरह सब कुछ अब्सॉर्ब कर लेता है, ठंड जैसा महसूस होता है। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है और मेरा बहुत फेवरेट है। इसके साथ ये लोअर पोर्शन का है, इधर देखो कोई हम लोगों को जो यहाँ पर बैंड होता है ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ कपड़ा है, इधर कुछ किया ही नहीं। और वो मैंने बोला था ना, जो सॉक्स बोलते हैं इतना तक थाई तक पहनते हैं, वो ब्लैक वाला मैंने पहनी है। ये ऐसे जब उतारते हैं ऐसे हो जाता है, छोटा सा फेर इसको ऐसे पहन लेती हूँ, ऐसे करके ही रख देती हूँ जब मैं पहनती हूँ, ठीक है। ये वाला यूज़ किया, वो वाला यूज़ नहीं किया। और आलमारी में और एक है पिंक कलर का, ये देखो पिंक कलर का एक पैंट पैंटी है, ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, सॉफ्ट कलर है। और ये है मेरा जो मैं यूज़ करती हूँ, और आलमारी में जो है वो बहुत यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये इतना सारा यहाँ पर है, ये भी यूज़ करती हूँ। और वो जो गर्मेंट सब लोगों ने देखे हैं वो भी मैं यूज़ करती हूँ, सभी मैं ही यूज़ करती हूँ, और कौन करेगा। तो चलो कोई बात नहीं, आज तो मैंने अब मेरा ब्रा कलेक्शन पैंटी कलेक्शन दिखा दिया,
ये है, और इधर जो जो थोड़ा बहुत कपड़ा है अलमारी में बहुत है वो वाला मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया, क्योंकि वो डर लगता है मुझे अलमारी खोलने में, वो बिल्कुल जैसे पंछी का जो क्या बोलूँ नेस्ट होता है ना उसका घर जैसा हो गया है, तो उसको निकालने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसे निकालती हूँ ऐसे लटक देती हूँ। तो ये आज मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया, फिर कभी वो भी कर लेंगे आप लोगों के सामने। तो आज तो मैंने ये सब दिखा दिया आप लोगों के सामने, तो फिर आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे नई कोई अच्छा वाला कंटेंट में। आज के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं, ओके।